Good morning. Good morning. तुम इतनी सुबह को कब से उठने लगे हो? डॉक्टर्स की लाइफ में इतना आराम करना और सोना बहुत कम होता है. चलें, नाश्ता करें. मेरी डिवोर्स हो गई है इसलिए. I'm sorry. ये सुनकर बहुत अफसोस हो रहा है. बस अफसोस? ये नहीं जानना चाहते हो कि मेरी डिवोर्स की वजह क्या थी? इतने तकलीफ दे चीज की डिटेल जानकर क्या करूं? आओ, नाश्ता करते. साइम बेटा, जल्दी नाश्ता कर लो या अंडा खाओ ना, स्कूल के लिए देर हो रही है. एग नहीं खाता मामू जान. ये फरियाल बेटा, तुम लो ना अंडा लो. और जी जी मैं ले रही हूँ. फरियाल, तुम कनाडा से अकेले आई हो, तुम्हारे मियाँ नहीं आए साथ? मामा, नाश्ते की टेबल पे कैसी बातें कर रही हैं? फरियाल आ गई है काफी है, जरूरी नहीं कि पूरा खानदान आए. मेरी डिवोर्स हो गई है चाची जान, और डिवोर्स को एक साल हो गया. मैं चाय दूं? ठंडी हो गई होगी. नहीं, नहीं, मेरे पास है. अच्छी तरह नाश्ता करना. बेटा फरियाल, अच्छी तरह नाश्ता करो, मैं साइम को स्कूल छोड़ के आता हूँ. आओ साइम बेटा, चलें, आ जाओ. चलो आओ, चाचू से भी मिल लो, चलो स्कूल चलें. शाबाश. आओ बेटा, शाबाश, आ जाओ. टूटू, आओ. खुदा हाफिज़ साइम. बाय बाय. चलो चलो शाबाश. अच्छा ठीक है सी, मैं रेडी होती हूँ, फिर हम निकलते हैं. ठीक है. कीर्ति बाजी आपके जा रही है? हाँ, मैं इनके हॉस्पिटल में जॉब कर रही हूँ और सैलरी भी नहीं ले रही. ठीक है मामा, खुदा हाफिज़. ओके बेटा, खुदा हाफिज़. वैसे मैंने तुम्हारे हॉस्पिटल के बारे में बहुत सारी तारीफें सुनी है. हाँ. कभी लेकर जाना. जरूर, जब दिल चाहे तो विजिट करवा दूंगा. तुम्हारी आज वापसी किस वक्त तक होगी? कोशिश करूंगा कि जल्दी आ जाओ, मगर वापसी का वैसे कुछ नहीं पता होता. चले मैं निकलता. ओके मां. पेशेंट बहुत डिहाइड्रेटेड लग रहा था. ही शुड ड्रिंक वाटर बिफोर एवरी मील. इसका ख्याल नहीं रखते लोग. डॉक्टर असफंदियार का ऑफिस क्या है? वो तो इस वक्त रूम में नहीं है. हेलो. ओ गीते भाजी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आप यहाँ कैसे? घर पे बहुत बोर हो रही थी. साइम स्कूल गया और ताई जान घर के कामों में मसरूफ थी. ताई जान अपने फ्रेंड के साथ ज़मीनों पर गए, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर आ जाऊँ. तो मैंने ड्राइवर को बोला कि मुझे यहाँ पे ड्रॉप कर दे. अच्छा किया यहाँ आ गई. इन बातों में मैं तारुफ कराना तो भूल ही गई. ये है जी मेरी कज़न, मेरी और असफन की कज़न फरियाल, कनाडा से आई है. और ये है जी डॉक्टर ज़ूबिया, हमारे हॉस्पिटल की बड़ी प्यारी डॉक्टर है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त. आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे. असफी किधर है? असफन वो डॉक्टर हारून के साथ पीडियाट्रिक वार्ड में है. चलो मैं तुम्हें मिलवा देती हूँ उससे. ओके चलो, ज़ूबी मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में.
کیپیسٹی کم ہے میرے خیال میں، وہاں پہ اتنی ہے نہیں. کیا کہتے ہیں ان ہمارے ایکس رے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جو بی بلاک ہے وہاں تو ہم کر سکتے ہیں، توڑنا پڑے گا تھوڑا. تو آپ ایچ آر سے بات کر؟ ارے ہم ابھی آپ لوگوں کے پاس ہی آ رہے تھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آ گئی ہوں. کیسے ہو تم؟ گڈ. ہاؤ آر یو؟ آئی ایم گڈ ٹو. فریال یہ ڈاکٹر ہارون ہے، ہمارے ہاسپٹل میں جنرل فزیشین ہے. نائس ٹو میٹ یو. بائی دی وے آپ کی رشتہ داروں کی وجہ سے اور گھر والوں کی وجہ سے اس ہاسپٹل میں رونق لگی رہتی ہے. چلے آپ دونوں میرے آفس میں بیٹھ جائیں، آئی ول جوائن یو شارٹلی. ٹھیک. ارے نہیں نہیں، تم نے تو پرومس کیا تھا کہ تم ہاسپٹل دکھاؤ گے مجھے، اب تو میں آ گئی تو پرومس پورا کرنا پڑے گا. رائٹ. ایکچولی فریال اس وقت میں اپنے راؤنڈس پر ہوں تو تھوڑا سا بزی ہوں. بھابھی اگر بلکہ بھابھی اور ڈاکٹر ہارون اگر آپ دونوں فریال کو ہاسپٹل کا وزٹ کروا دیں اور وین یو ڈن میرے آفس میں ہم سب ساتھ چائے پی لیں گے. اوکے. ایکچولی ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ میں اس ہاسپٹل کا آفیشیل گائیڈ بھی ہوں. آئیے آپ کو ہاسپٹل کی نیاگرا فال دکھاتا ہوں. آؤ بیٹھو. بھابھی ایمرجنسی میں سب صحیح ہے؟ ہاں سب ٹھیک ہے. ایمرجنسی ٹھیک. ویسے اسفی آئی ہیو ٹو سے آئی ایم امپریسڈ. یہ تو ہاسپٹل بہت ہی شاندار ہے اینڈ اٹس سو امیزنگ کہ اتنے چھوٹے سے ریجن میں تم نے اتنی بڑی اور اپ ٹو ڈیٹ ہاسپٹل کنسٹرکٹ کی ہے. اٹس امیزنگ. تھینک یو. یار ایک بات بتاؤ، تم نے اتنی بڑی ہاسپٹل بنائی ہے اور خود اتنی چھوٹی سی کمرے میں بیٹھے ہوئے. ہاں ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مگر میرا خیال ہے کہ انسان کو اپنی ضرورت کے مطابق چیزیں بنانی چاہیے اور یہ میرے لیے بہت ہے. چھوڑو یہ بتاؤ کہ چائے پیو گی یا کافی؟ کافی. کافی بھابھی؟ نہیں میں ایسی کچھ بھی نہیں. اچھا ایسی فریاد کینیڈا جا کے تمہاری اردو بڑی امپروو ہو گئی. ہیلو. ہاں میرے آفس سے. کتنے کیوٹ طریقے سے بولتی ہو، میں تو سن رہی تھی ہنس رہی تھی. ہاں اور بتاؤ. اردو میں بتاؤ. اردو میں بتانا پڑے گا. ٹیسٹ ہے اسی. یہ تو مشکل ہو گیا. آپ لوگ تو یہاں فارغ انجوائے کر رہے ہیں، سارے ہاسپٹل کا بوجھ میں نے اتنے کندھوں پر اٹھایا. یہ کیجوئلٹی کے 3 پیشنٹس کس کے تھے؟ نہیں کس کے تھے، میرے تو نہیں تھے نا، میں نے نپٹایا. حالانکہ میرا پیشنٹ کون تھا؟ ہرنیا کا پیشنٹ تھا. میں اسے بات کر ہی رہا تھا کہ ایک دم ڈاکٹر صاحب کے فون آ گیا، کڑکتی ہوئی کال آئی کہ آپ میرے آفس ہیں. میں ان کے آفس گیا، ایک خوبصورت سی خاتون بیٹھی ہوئی تھی. میں نے سمجھا کہ شاید وہ ان کے رشتے کی بات کریں گے. نہیں، انہوں نے کہا یہ میری کینیڈا سے آئی ہوئی کزن ہے، ان کو آپ ہاسپٹل گھما دیں، وزٹ کرائیں. میں نے ان کو ہاسپٹل وزٹ کرایا، حالانکہ میں نے سوچا کہ ایسی تھوڑا سا دکھا دوں گا، لیکن نہیں، انہوں نے ایک ایک ڈپارٹمنٹ دیکھا جیسے وہ اس پہ ریسرچ کر رہی ہیں. جب وہاں سے نپٹا، دوبارہ اپنے پیشنٹ کو بتا کیا، دوبارہ ڈاکٹر صاحب کا فون آیا کہ آپ وہ امپورٹنٹ فائل لے کے آ جائیں، اس پہ ڈسپیوٹ ہوا ہوا ہے. یہ وہ امپورٹنٹ فائل ہے، پلیز آپ یہ پکڑیں. وہ ڈاکٹر صاحب کا روم ہے، آپ جائیں اس سے پہلے کہ وہ مجھے کوئی اور کام دے دیں. میں بھی تھوڑا ریلیکس کرنا چاہتا ہوں، پلیز آپ جائیں. میرا نہیں بتائیے گا، میں آپ بولیں گے میں نے خود لے لیا. آپ لوگ کو وہ بچپن کا زمانہ یاد آتا ہے؟ ویسے وی ہیو سو مینی میموریز ٹوگیدر. یاد ہے سمر ویکیشنز میں ہم سب اکٹھے رہتے تھے؟ ہاں ویسے واقعی کتنا مزہ آتا تھا ان دنوں میں، ہے نا. اور مجھے یہ بات بھی یاد ہے کہ اسفی گوسٹ بن کے نا سب کو ڈراتا تھا. اور مجھے مزے یہ باتیں پتہ ہی نہیں تھا کہ گوسٹ اسفی ہے. آر یو سیریس؟ آپ نے بیڈ نمبر 9 پہ رپورٹس تو چیک کر لیے تھے، بایوپسی کروا لیں؟ ایک سیکنڈ پلیز. جی آپ نے رپورٹس تو چیک کرنی تھی، بایوپسی کروا لوں بیڈ نمبر 9 کے پیشنٹ کی؟
करवा लूं। थैंक यू। कैसे जुबिया? ठीक, क्या चल रहा है? कुछ नहीं, वो डाइट प्लान बना रही थी, कुछ नए पेशेंट्स आए उनके लिए। की कजन चली गई? हाँ वो चली गई, वो गई है तो फिर मैं कामों में लगी हूँ, वरना तो उसी के साथ बिजी थी। वही है ना जिनकी डॉक्टर असफंदियार से एंगेजमेंट हुई थी? वही है। आप बता रही थी उनकी शादी हो गई? उसकी डिवोर्स हो गई है। कैसे? ये तो हमने नहीं पूछा और ना उसने बताया। अच्छा नहीं लगता ना किसी लड़की से पूछना कि उसकी डिवोर्स क्यों हुई है, और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा अच्छा कि मैं उससे पूछूं, काफी पर्सनल बात है। बाकी दुआ ये है कि वो खुश रहे यार, वो सिचुएशन ही कुछ ऐसी है। चलो मैं फिर मिलती हूँ डॉक्टर हारून के पेशेंट का, मुझे कुछ डाइट प्लान बना के देना है। से बहुत प्यार करता था, बहुत जिद करके अस्फीनों से मंगनी की थी। कभी कभी दिल चाहता है कि रास्ता खत्म ना हो। कैसे लगी है ये? आते आते पैर स्लिप हो गया। शुक्र है कि चोट ज्यादा नहीं है। ज्यादा नेगेटिव बातें ना सोचो, खुश रहा कर। जो सोच दिल को खुशी दे इंसान को वो जरूर सोचनी चाहिए। उसकी डिवोर्स हो गई है। जी हाँ, जब लैब रिपोर्ट्स मिल जाएंगे तो बस मेरी तरफ भेज दें। ओके, ठीक है। आपकी चोट कैसी है? अब ठीक है। तो बैंडेज में उतार दी? वो हील हो गया था। मैं अभी तक हील नहीं हुआ है, बैंडेज करना। जी। ओके। हाँ साबर खान बोलो। ये तौर खान के आदमी बहुत परेशान कर रहे हैं सगीन। हाँ देखो, पहले मेरी ज़मीनों पर कब्जा करवाया, मेरे बंदों को मरवा दिया, मुझ पे कातलाना हमला करवाया। यार वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया, वो तो चाहता ही यही है कि मैं मरूं और वो मेरी सीट पे आके कब्जा कर ले। शहबाज खान, सगीन खान के होते हुए तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तुम जाओ शिकार के लो। बादर खान ये मेरा खास बंदा है, ये तुम्हें शिकार करवाने के लिए लेके जाएगा। तुम जाओ शिकार के लो, मजे करो, एंजॉय करो। बाकी रह गया तौर खान, उसकी ऐसी कितनी सी उसे मैं देख लूंगा। तेरी ही दोस्ती का आसरा है, अगर तुम मेरा ये काम कर दोगे ना तो मैं तुम्हारी खातिर कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। ये हो जाएगा, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। बादर खान इसको ले जाओ शिकार खिलाने के लिए, ले जाओ इसको। तुम नहीं जा रहे हो हमारे साथ शिकार में? तुम जाओ इनके साथ, मैं तो वैसे भी शिकार खेलता रहता हूँ। तुम खेलो, जाओ। बादर खान
इसको मारखोर तलोर हर चीज का शिकार करा, ले जाओ इसको। भाई ये शबाज आज फिर क्यों आया था? आया था तूफान का शिकार करवाने के लिए, मैंने शिकार पे भेज दिया। और कितना चलना पड़ेगा और शिकार कहाँ मिलेगा? हाँ जी शिकार यहीं मिलेगा। भाई तुरखान तुम्हारा काम हो गया, अब पिशावर एयरपोर्ट पे हमारा ख्याल रखवाना तुम्हारा काम है। हाँ हाँ पक्की खबर है, अभी अभी मेरे बंदे इत्तला दी है कि उसने तलोर का शिकार कर लिया। फोन पर ज्यादा बात करना मुनासिब नहीं है, समझा कर, जब आएगा तो फिर बात करेंगे। अल्लाह। भाई ये शाहबाज खान तो आपका पुराना दोस्त है, आपने उसे भी मरवा दिया। मेरे भाई तुम भी बहुत सादा हुए मखान, देखो ये सियासत है और सियासत में आज का दोस्त कल का दुश्मन आज का दोस्त। शाहबाज खान हमारे किसी काम का नहीं था, उसके होने से न होना ही बेहतर है, लिहाजा हमने भी उसको फारिग कर दिया और अब असेंबली में तुरखान ही अच्छा लगेगा। हाँ भाई सुनाओ। सलाम खान जी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई क्या खबर है? सब काम ठीक से हो गया खान जी, लाशें भी ऐसी जगह पे ठिकाने पे लगाई हैं कि कभी किसी को नहीं मिलेंगी। मिल भी जाए तो फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि उसके सरकारी कामों के साथ साथ सरकारी काम भी बहुत ज्यादा हुआ करते थे और किसी को कुछ नहीं मालूम होता था कि वो कहाँ से आया कहाँ गया। वैसे मुझे ये बताओ कि जाते वक्त उसको कोई शक हुआ था क्या? शक तो दूर की बात है खान जी, वो तो हैरान था कि उसे गोली अचानक कैसे लग गई है। इसलिए तो तुम मेरे खास बंदे हो। खान जी आपकी बड़ी मेहरबानी है जो आप मुझ पर भरोसा करते हैं। देखो मैं भरोसा इसलिए करता हूँ कि सब लोगों में से तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो। ये तो आपकी मोहब्बत है खान जी। खान जी एक बात बोलूं? हाँ हाँ बोलो। वो जो उस्मान खान और उसका बेटा असफंदियार अली खान हमारे गांव में आ गए हैं, ये मुझे कुछ ठीक नहीं लगते। डॉक्टर असफंदियार ने अस्पताल बनाने की वजह से हमारे अपने इलाके के लोग बल्कि आसपास के गांव के लोग भी उसको बहुत ज्यादा पसंद करने लगे हैं। इसमें परेशानी की क्या बात है, वो शहरी लोग हैं, उनके अबाव अजदाद यहीं पे हुआ करते थे। अब वो वहाँ पे शहर में जाके इस्लामाबाद जाके पढ़ लिख के उनको वहाँ की हवा लगे, वो बुजदिल हो चुके हैं, ये बहुत पुरानी बात है। बैरिस्टर उस्मान अली खान का बेटा जब ये सारी गलत हरकत कर चुका और वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा तो वो इसके वापस आई। अब वो बेचारा लोगों से अपने बेटे की बदनामी का मुंह छुपाने के लिए यहाँ पे आ गया, वरना वो कभी भी ना। ठीक है खान जी, जो आपको सही लगे, मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा था कि डॉक्टर असफंदियार अब
नशेरे तरीके हमारे गांव के लोगों को सिखा रहा है और ये चीज आपके लिए या हमारे लिए कोई मसला ना बना दे। अरे वो डॉक्टर, वो बुजदिल, वो बच्चा, वो बंदूक तक नहीं उठा सकता, उसको चलाएगा कैसे? और तो मैं इंजेक्शन से वैसे मार सकता है, लेकिन कम से कम गोली से नहीं मार सकता, उसकी फिक्र ना करो। अच्छा हाँ, तो ये फाइल जरा मुझे बताओ, उसके टेंडर का क्या किया तुमने? वो साइन हो गया एक्सचेंज। चलो देखते हैं, मैं वो एक्सचेंज को फोन करता हूँ। जी किधर जा रहे हो? वो बस मेरे कुछ काम है। तो वापस कब आओगे? एक डेढ़ घंटे में। मुझे भी ले चलो ना साथ, मैं घर पे बोर हो रही हूँ। तुम्हें लेकिन पूरा तो ख्याल कर लो, मेहमान हूँ तुम्हारी, कुछ नहीं तो आउटिंग ही हो जाएगी। यहाँ भी? हाँ, very good। आगे इस टर्न को? हाँ, इस पे भी। उस्मान, आखिर ये लड़की कब जाएगी? एक हफ्ता हो गया और अब तक ये यहीं है। भाई जहाँ से आई है वहाँ चली जाए ना, सबसे मुलाकातें हो गईं। लगता है आज मूड खराब है, ठंडा पानी मंगवाऊं? आपको मजाक सूझ रहा है और मेरा दिल जल के खाक हो रहा है। मुझे साफ नजर आ रहा था अस्फी उसके साथ बिल्कुल जाना नहीं चाह रहा था, मगर उसको जबरदस्ती वो लेके गई है। धनी, इस बुरी तरह से वो मेरे बच्चे के पीछे क्यों पड़ी हुई है? कभी हॉस्पिटल पहुंच जाती है उसके पीछे, कभी घर पे उसके सर पे सवार रहती है। मैं बता रही हूँ आपको उस्मान, अगर इस लड़की ने अपने तेवर नहीं बदले ना, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मैं कुछ ना कुछ कह दूंगी उसको। बुरी बात है, मेहमानों से बदसलूकी हमारी रवायत नहीं। जहाँ तुमने इतना बर्दाश्त कर लिया, कुछ दिन और कर लो, वो यहाँ हमेशा तो नहीं रहेगी, चली जाएगी ना। उसके जाने के इरादे नजर नहीं आ रहे। अच्छा मैं आपको बता रही हूँ, मगर आपको ये बातें समझ नहीं आएंगी। आप तो यही कहेंगे कि अच्छा है अगर वो अस्फी के अंदर दिलचस्पी लेने लगी है, क्या बुरा है अगर उसे शादी भी कर ले? मैंने ये तो नहीं कहा। हेलो, कहाँ हो? मैं मेस में हूँ, अपने कमरे में हूँ। क्यों? ओह, तो फिर एक काम करो, फौरन हमारे पास आ जाओ। मेरे हाथ का केक तुम्हें पसंद है ना? मैंने बेक किया है और चीज सैंडविचेस भी बनाए हैं, चाय पियेंगे और बातें करेंगे। मैं जरूर आती, लेकिन आज काफी दिनों बाद मुझे ऑफ मिला है, आज मैं रेस्ट करना चाहती हूँ। ओहो, थोड़ी देर के लिए तो आ जाओ। अरे उसको कहो मैं बुला रही हूँ। मामा बुला रही हैं तुम्हें, वो भी मिलना चाह रही हैं। अच्छा एक काम करो, ये मामा से बात करो। हेलो मेरी जान, कैसी हो ज़ोबिया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आंटी ठीक है और अपनी बेटी को बहुत याद कर रही हैं, और अगर बेटी घर आ जाएगी तो आंटी और भी अच्छी हो जाएंगी। आंटी मैं आ जाती लेकिन। बुरी बात बेटा, बड़ों की बात को नहीं डालते। और पता है क्या, मेरा बीपी भी जरा लो हो रहा है, तो तुम अगर आ जाओगी तो वो भी चेक कर लेना। ठीक है मैं आती हूँ आंटी। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी चाय पे फिर। खुदा हाफिज। Thank you.
खैरियत तो है? आप जुबिया को हमेशा ही पसंद करती हैं, लेकिन आज आपका अंदाज काफी अनयूजुअल सा था। अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस में अनयूजुअल हो ही जाना पड़ता है बेटा। मैं तो ये सोच रही हूँ कि आज जुबिया का यहाँ आना बहुत जरूरी है। मामा, आप और बाबा कहीं जुबिया को असफी के लिए तो नहीं सोच रहे? बिल्कुल, असफी के लिए ही तो सोच रहे हैं। बहुत प्यारी लड़की है ना जुबिया, और बाबा का तो ये ख्याल है कि शायद असफी भी उसको पसंद करता है, और मुझे तो वो इतनी प्यारी लगती है, दिल चाहता है कि जल्दी से उसको अपने घर लेकर आ जाऊं। तुम्हें नहीं प्यारी लगती वो? मुझे तो वो बहुत अच्छी लगती है, और मैं भी चाहती हूँ ये हो। इनफैक्ट मुझे तो लगता भी है कि दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन मैं श्योर नहीं थी कभी। श्योर तो हम भी नहीं है, मगर देखो ना, अब असफी तो इतना साफ दिल का लड़का है, इतना मासूम है वो, उसको ये कहना चाहिए फरियाल से कि तुमने मेरा दिल दुखाया है, तुम मुझे इस तरह से ठुकरा के चली गई, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। मगर इसको देखो, वो लेके उसको बाहर चला गया। असफी वाकई बहुत अच्छा है मामा, जुबिया बेस्ट चॉइस है उसकी, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, और तुमने कितना इंतजार करवाया ना हमें। सलामिकुम। वालेकुम सलाम बेटा, बैठो, बिठाए ना। कैसी हो जुबिया? बिल्कुल ठीक। बैठो। दीदी, चाय का इंतजाम करवा लो बेटा। हाँ मैं चाय बना लेती हूँ, लेकिन चाय आप लोग बाहर पियेंगे या? तुम क्या चाहोगी, बाहर या अंदर? जैसे आप लोगों की मर्जी। चलो तुम देख लो फिर। हाँ अच्छा ठीक है, मैं बाहर लगा देती हूँ। सही मामा। ओके आंटी, मैं आपका ब्लड प्रेशर चेक कर लूँ? बेटा वो तो कर ही लेंगे, अब जल्दी क्या है। हाँ तुम आराम से रिलैक्स होके बैठो, हम लोग चाय पीते हैं और थोड़ा मौसम का मजा लेते हैं। बेटा तुम कुछ लो, तुम्हारी तो प्लेट ही खाली है। नहीं नहीं, बस बहुत खा लिया मैंने। आंटी आपने अपना बीपी तो चेक करवाया नहीं? तुम्हें लग रहा है कि मैं बीमार हूँ? तुम्हें देख के मैं बिल्कुल ठीक हो गई, मुझे तो जरूरत नहीं है। फरियाल अभी तक यहीं रुकी है? फरियाल अभी यहीं पे ही है, गई एसवी के साथ बाहर, बस आते ही होंगे, बल्कि वो लोग आ गए। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। आप यहाँ कैसे? मैंने बुलाया है जुबिया को, वरना वो तो इतनी बिजी थी, आने के लिए तैयार ही नहीं थी। हाँ बैठो। मैं चाय लेके आती हूँ। थैंक यू। बेटा मैं जरा नमाज पढ़ने चलती हूँ, तुम जुबिया का ख्याल रखना अच्छा, और ये कहीं जाने ना पाए, रात का खाना तुम्हारा हमारे साथ है, ठीक है? जी। रेहान, आप यहाँ बैठे हैं? आप बेटा कमरे में कार्टून्स लगे हैं, जाके देखो। क्या कर रहे हैं?
हिसाब देख रहा हूँ। काम कैसे चल रहे? बहुत अच्छा चल रहा है। सब बढ़िया। रेहान, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। पैसे नहीं है मेरे पास। अरे मैं कौन सा आपसे कोई कैश मांग रही हूँ, क्रेडिट कार्ड दे दें चल जाएगा। इस महीने की पहली तारीख को 1,00,000 रुपए दिए थे तुम्हें, कहाँ उड़ा है? ए, इतना बड़ा घर है, ग्रोसरी में खर्च हो जाते हैं और भी बहुत सारे। झूठ मत बोलो मुझसे। ग्रोसरी के पैसे मैं तुम्हें अलग से देता हूँ, मुझे उसका हिसाब दो जो पूछ रहा हूँ। 1,00,000 रुपए कहाँ उड़ा है? अब आप मुझसे पाई पाई का हिसाब लेंगे? बिल्कुल हिसाब लेंगे। यहाँ पैसा फालतू का नहीं बट रहा है जो तुम अपने भूखे नंगे रिश्तेदारों के ऊपर लुटाती फिरो। अब आप मेरे घर वालों की बेइज्जती कर रहे हैं। बेइज्जती तो मैंने अब तक की नहीं। ये जो तुम अपने अपने घर वालों के सामने अपने पैसों की अपनी अमीरों की शो मारती हो ना, ये सारा मेरा पैसा है, हक हलाल का पैसा है मेरा, हराम का पैसा नहीं है जो तुम लुटाती फिरती हो। तुम्हारे दम पर जो अभी ने पैर रखा हुआ था ना, बिल्कुल ठीक रखा हुआ था। पाई पाई का हिसाब लेते थे तुमसे तब बिल्कुल सही चलती है, क्योंकि तुम जैसी औरत के ऊपर भरोसा किया ही नहीं जा सकता। रेहान, अब आप कुछ ज्यादा बोल रहे हैं। आवाज नीचे करो अपनी, बिल्कुल आवाज नीचे, और मेरी बात कान खोल कर समझ लो। आज से तुम्हें सिर्फ उतना ही पैसा मिलेगा जितनी तुम्हारी जरूरत है, उसके आगे एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा तुम्हें। तुम्हें जितना कपड़ा लत्ता चाहिए मैं लेकर आऊंगा, घर के सारा सामान बाहर का वो भी मैं लेकर आऊंगा। शरीफ औरतों की तरह घर में बैठो, घर के काम काज करो, और अगर बाहर जाने का इतना ही शौक है तो मेरे साथ जाओगी। मेरे बगैर अगर तुम घर से बाहर निकली ना तो याद रखना दोनों टांगे तोड़ के कमरे में डाल दूंगा तुम्हें। इस इंसान में तो अब्बी की रूह आ गई है। बिल्कुल जैसे वो अम्मी के साथ सलूक करते थे वैसा सलूक मेरे साथ करना शुरू हो गया। मुझे तो लग रहा है किसी ने काला जादू करवाया। अल्लाह गारत करे ऐसे लोगों को, अच्छे खासे घर को बर्बाद करके रख देते हैं। इंसान पे आई भी हर मुसीबत जादू या टोना नहीं होती, कभी कभी इंसान के अमाल भी होते हैं। किसी मजलूम का सब्र भी राह में रुकावट बन जाता है। हलीमा भी, आपको क्या लग रहा है मैंने किस पे जुल्म किया? वो मैंने ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया था। वाह, आप वो नहीं कर, ये ले चाय पिए। वैसे आपका ताल्लुक कहाँ से है? कराची से। आपके पेरेंट्स ने आपको घर से इतना दूर कैसे आने दिया? वो डॉक्टर जूबिया एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में काम करना चाहती है, इसलिए वो यहाँ आई हुई। मुझे लगता है आप मुझे जाना चाहिए। क्यों? आप आंटी से मेरी तरफ से एक्सक्यूज कर लीजिएगा, काफी देर हो गई है, मैं चलती हूँ। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी। दाफिस। दाफिस। बात सुने? मेरा ख्याल है कि मैं आपको आवाज दे रहा हूं। मैंने सुना नहीं। वो क्या ऊंचा सुनाई देता है? हो सकता है। आज आपका डे ऑफ है, आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं? कुछ पर्सनल काम है इसके। ओके, आई मैं आपको ड्रॉप कर देता हूं। नहीं, इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी खुद। थैंक यू। क्या आप नाराज हैं? किससे? मुझसे। मैं आपसे क्यों नाराज होंगी? Thank you.
लगता है तुम्हें? इतने सालों बाद तुम अचानक आओगी और हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या लगता हूं मैं तुम्हें? तुम्हारे रास्ते में एक बड़ा पत्थर? जब चाहो उठाओ, जब चाहो फेंक दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और मैं नहीं जानती मैं किस तरह से माफी मांगू। मैंने तुम्हारे साथ बेवफाई की थी। तुम्हारा साथ उस वक्त छोड़ा था जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन तुम ये मत सोचना कि मैं इन सब सालों में खुश थी। मुझे अपनी गलती की सजा मिल गई थी। आजर अच्छा इंसान था पर वो मेरा असली नहीं था जो मेरे नाज नखरे उठाता। इतने सालों से हम मजबूरी में साथ थे लेकिन मैं कभी खुश नहीं रही। हर पल तुमसे ही मोहब्बत करती रही मैं। घुमा के बाद यकीन का सफर।